आपका अर्थ प्रकाश टीवी में, मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी और आज हम मौजूद हैं सेक्टर 21 के गवर्नमेंट स्कूल में, जहां एक नई पहल की गई है ट्रैफिक पार्क बनाने से। जी हां, चंडीगढ़ में बनाया गया दूसरा ये ट्रैफिक पार्क है, जहां बच्चों को जागरूक किया जाता है कि आखिर ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो करने चाहिए, चाहे वो छोटा है या बड़ा। तो चलिए नज़र डालते हैं एक इस पार्क के ऊपर। हेलो मैम, मैम आपका नाम? आई एम अनीता सूद। मैम सबसे पहले तो आप बताइए कि इसके पीछे का मेन आइडिया क्या था कि आपको ये चीज़ बनानी चाहिए स्कूल के अंदर? हाँ जी, सबसे पहले आई नो कि यू ऑल नो डैट लाइफ डज नॉट गिव अस अनदर चांस, सो वी ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल फॉलोइंग ऑल द सिग्नल्स एंड ऑल द ट्रैफिक रूल्स। सो इस मोटो को ध्यान में रखते हुए हमारे स्कूल ने ये इनिशिएटिव लिया कि वी शुड हैव एट दिस ट्रैफिक पार्क, कि अगर बच्चे बाहर जाएंगे ट्रैफिक रूल्स में तो उनको यहाँ से अवेयर हो कि रेड लाइट क्या शो करती है, ग्रीन क्या है और येलो क्या है, एंड व्हाट इज़ अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स और व्हाट इज़ साइकिल ट्रैक्स। सो इन सबको अगर हम बच्चे यहाँ पे आके प्रैक्टिकली देखेंगे वो ज़्यादा अवेयर हो पाएंगे रादर की थ्रेटिकली नॉलेज से। इस माइंड को रखते हुए हमने ये ट्रैफिक पार्क बनाया। स्पेशल सेशन हर क्लास के लिए होते हैं यहाँ पे? मेन नर्सरी टू ट्वेल्थ हर क्लास के लिए सेशन होता है? प्रॉपर हमारे टाइम टेबल में हमने एक एक पीरियड दिया हुआ है। वंस इन अ वाइल, वंस इन अ वीक बच्चे आते हैं यहाँ पे और एक अपना ऑब्जर्व करके और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके जाते हैं और टीचर साथ में उनको बताता है। मैम आप हमें भी एक्सप्लेन कीजिए, आपने कैसे इसको स्टार्ट किया, मतलब कैसे कैसे आप समझाते हैं कि हर बच्चे को कैसे समझाते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पे है? सबसे पहले तो हमने ये लाइट्स है, ये वर्किंग मॉडल बनाया है हमने, तो ग्रीन येलो एंड ग्रीन लाइट रेड लाइट। कवनीत आप बताइए बेटा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम कवनीत ऑफ क्लास 11th। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ट्रैफिक रूल्स के बारे में, जो कि बाहरी दुनिया में बच्चे जान सके कि कैसे हैं। सबसे पहले आती है ट्रैफिक लाइट्स। रेड मीन्स स्टॉप एंड येलो मीन्स वेट एंड वॉच, ग्रीन मीन्स मूव टू गो, एंड देन उसके बाद ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जब रेड से पहले सामने ह्यूमन वाली ग्रीन लाइट होती है तो हम उस पर से जाते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई बंदा वगैरह ना मरे। इसके उसके बाद अलग से एक साइकिल ट्रैक बना रखा है ताकि जो साइकिल वाले पैसेंजर्स हैं वो साइकिल से ही आएं, ताकि रोड पे होने वाले जो एक्सीडेंट्स ना हो कम हो जाएं। ये प्रैक्टिकली ज़्यादा अच्छा रहता है रेदर देन कि हम एजुकेशन करें, उसकी बुक्स में पढ़ें। अगर बच्चे प्रैक्टिकल देखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है और उनको समझ भी आता है। उसके बाद वहाँ पे ट्रैफिक, वहाँ पे सारे साइंस बना रखे हैं ट्रैफिक साइंस यहाँ पे, ताकि बच्चे इनको देखें, सीखें और दिमाग में लर्न कर सकें कि ये कैसे कैसे होते हैं। थैंक यू। आज हम बात करेंगे वहाँ के प्रिंसिपल से, उनके नए बनाए हुए ट्रैफिक पार्क के बारे में कि आखिर उनका क्या मोटिव था इसके बीच इसे बनाने का और बच्चों को इससे क्या क्या सीखने को मिलेगा। हेलो मैम। हेलो मैम, सबसे पहले आपका नाम? सुखपाल। ट्रैफिक पार्क का हमारा मोटिव ये था कि जैसे आजकल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट भी बड़े इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमें ऊपर से नहीं ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। तो हमने ओपन ट्रैफिक पार्क बनाया जो नर्सरी टू ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए ओपन है और टीचर्स उनको डेली एक्सप्लेन करते हैं या वीकली एक्सप्लेन करते हैं और बच्चे में ये प्रैक्टिकली बच्चा सीख पाएगा कि हाउ टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। उनको ज़बरदस्ती वो लिखने पढ़ने वाले सिस्टम में नहीं, वो खेल खेल में ट्रैफिक रूल उसके अंदर आ जाएंगे कि उसका एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा कि वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स। वो अपने बड़ों को बताएंगे, फैमिली को बताएंगे, सोसाइटी को बताएंगे, जिससे हम नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। मैम मेन मोटिव इसके पीछे बनाने का और आपने कब स्टार्ट किया था इसे रेडी करवाना? हमने लास्ट ईयर किया रेडी, लास्ट ईयर रेडी हो गया था। ड्यू टू कोरोना बच्चे कम आए थे पर अब बच्चे आ रहे हैं। इसको सैटरडे मोस्टली नो बैग डे वाले दिन विजिट करते हैं यहाँ पे बच्चे, और छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे साइकिल ट्रैक बनाया गया, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। चलो जो ड्राइविंग नहीं करते उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है, तो जो बड़े होकर ड्राइविंग करेंगे बिफोर ड्राइविंग उनको सारे के सारे रूल्स पता होंगे। ट्रैफिक साइंस भी बनाए गए हैं, रोड्स के ऊपर ट्रैफिक का बनाया है, वर्किंग मॉडल ऑफ ट्रैफिक पार्क है, यहाँ पर सिग्नल्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स वर्किंग हैं। मैम आपने कहाँ से आइडिया लिया, मतलब कहीं से गया आपको कहीं और जहाँ से आपको आइडिया मिला कि हमें यहाँ इस चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि पहले साइंस पार्क या मैथ पार्क ऑलरेडी मोस्ट कॉमन हर एक स्कूल में होते हैं, पर ट्रैफिक पार्क एक ऐसी चीज़ है जो मोस्ट कॉमनली हम नहीं देखते हर एक स्कूल के अंदर, तो आपने कहाँ से ये आइडिया लिया? बच्चों की सेफ्टी के लिए जैसे हमें कई बार ग्रांट आती है तो उसको हम सोचते हैं कैसे फर्स्ट एड किट्स ले लें, वो यूज़ करें, तो उसे मुझे लगा कि एक परमानेंट सा सिस्टम होना चाहिए जो ईच एंड एवरी स्टूडेंट उसको लर्न कर पाए और बच्चे जो आने वाली जनरेशन है एक चला जाए उसके नेक्स्ट भी बेनिफिशियल है।
जो फर्स्ट एड किट्स हैं वो तो हम किसी और भी फंड्स में या ऐसे ले सकते हैं, बच्चों के पास भी है, टीचर्स अपने आप भी अरेंज कर सकते हैं। तो ये मुझे लगा कि ये वाला आइडिया जो कहीं भी नहीं है आज तक, किसी स्कूल में भी नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको सेफ्टी के लिए इंस्टॉल करेंगे। मैम कोई और कोई आपका आगे फंक्शन या कोई प्लान जो ट्रैफिक पार्क के अलावा आप कोई नया आइडिया जो अपने स्कूल में इनाग्रेट करना चाहते हैं आगे आने वाले टाइम में? नेचर पार्क बनाना चाहती हूँ, फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे मतलब पंचवटी जैसे ट्रीज है जो मैक्सिमम ऑक्सीजन करेंगे, तो वहाँ पे बच्चे बैठ भी पाएँ, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ भी कर लें। तो एक एरिया स्कूल का बड़ा 10 acres है, तो उसमें से कुछ पार्ट एक ऐसा करूँगी जो फॉरेस्ट वाला पार्ट डेवलप करें। ओके मैम, थैंक यू मैम। और जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे ट्रैफिक पार्क के अंदर काफ़ी अच्छे से लोगों को, बच्चों को समझाया जाता है कि कैसे ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बच्चों को या सिर्फ छोटे बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाता है, हर एज के बच्चों को यहाँ पर सिखाया जाता है ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन को सिखा सकें कि कैसे हमें रूल्स फॉलो करने चाहिए। ऐसी कुछ न्यूज़ जानने के लिए जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश न्यूज़ के साथ, कैमरामैन दीपक के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।